जय नीम करौली वाले बाबा की। बाबा की कृपा सब पर बरसते रहे। जैसा कि आप लोगों को मैं बताने जा रहा हूँ कि ये जो वीडियो है आज श्री विनोद जोशी जी के ऊपर है, जो कैंची धाम के प्रबंधक हैं। कैसे ये बाबा के प्रिय शिष्यों में से गिने गए और कैसे बाबा की शरण में आए, हम जानते हैं इस पूरी वीडियो में। इस वीडियो में हम आपको पूरी बायोग्राफी यानी बचपन से लेकर सब इनके बारे में बताएंगे। इनका जन्म हुआ अल्मोड़ा शहर में, नैनीताल के पास है ये। इनका जन्म हुआ वहाँ पर और इनका पूरा परिवार श्री नीम करौली बाबा से जुड़ा हुआ था, परंतु इन्हें कभी नीम करौली बाबा के दर्शन नहीं हुए। यह सब बाबा की लीला होगी जो अभी तक दर्शन नहीं हुए थे, पर आगे जो कहानी आने वाली थी वो किसी को नहीं पता। इनकी पहली मुलाकात नीम करौली बाबा से जब हुई, जब विनोद जोशी जी कक्षा 10 में थे। इनके बोर्ड की परीक्षा शुरू हो रही वाली थी। फिर क्या हुआ, इनके परिवार में किसी व्यक्ति की शादी नीम करौली बाबा ने करवाई, वो आपको मैं बताता हूँ किसकी। इनके परिवार में पहले ही गुरुजी से जुड़ा हुआ था और गुरुजी द्वारा इनके परिवार में चचेरे भाई या बहन की शादी कराई गई, उसमें प्रथम बार नीम करौली बाबा के इन्हें दर्शन हुए। इनके पिताजी यह और इनकी माताजी नीम करौली बाबा के कक्ष में गए और उनसे दर्शन करे, और इन्होंने जैसे ही उन्हें देखा उनके पैर छुए। मिलते ही गुरुजी के इन्होंने पैर छुए। फिर क्या होता है, गुरुजी क्या कहते हैं, गुरुजी की आदत थी एक शब्द को दो दो बार बोलने की। जैसे उन्होंने इन्हें आशीर्वाद दिया, बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे, दो दो तीन तीन बार बोला। इन्हें बहुत अच्छा लगा, नीम करौली बाबा का आशीर्वाद मिल ही गया था। बोर्ड की परीक्षा जो थी इनकी वो फरवरी मार्च में शुरू होने वाली थी। अब नीम करौली बाबा का आशीर्वाद तो इन्हें मिल ही गया, जो उन्होंने पैर छू के ले लिया। अब तो गुरुजी की लीला शुरू हो गई। इनकी बात यहाँ से शुरू होती है कि विनोद जोशी जी की ताई जी ने उन्हें एक चित्र दिया जो कि गुरुजी का था, जिसे विनोद जोशी जी अपने बोर्ड की परीक्षा में लेकर जाते थे, और जो उनसे उत्तर या सवाल का जवाब नहीं आता था वह गुरुजी के सामने रखते, उनकी तस्वीर से पूछते और उन्हें उत्तर याद आ जाता। यह मैंने कुछ एक तस्वीर बनाने की कोशिश करी है, वो असली तस्वीर हो सकता है शायद यही हो। अब आगे कहानी आप सुनिए। फिर विनोद जोशी जी के ऊपर जो नीम करौली बाबा का आशीर्वाद था, इनके बोर्ड के पेपर खत्म हुए, और जिस पे गुरुजी का आशीर्वाद हो वो कैसे भला पीछे हट सकता है। इनके बोर्ड का रिजल्ट आ गया और ये सब में बहुत अच्छे अंकों से पास हो गए। जैसे गुरुजी कहते, चिंता की क्या बात है जब मैं तेरे साथ हूँ। इनकी ज़िंदगी का सफ़र तभी से शुरू हुआ और ये आगे बढ़ते रहे। फिर इनके आगे 2 साल में 12th आई, 11th आई, और उसमें भी बहुत उत्तीर्ण अंकों से पास हुए। 2 साल बाद इनकी 12th भी हो गई। फिर इनकी पिताजी से इनकी बात हुई और उन्होंने कहा कि बेटा, तुझे हायर एजुकेशन के लिए मैं नैनीताल भेजने वाला हूँ। और सोचा, मन ही मन में ख्याल भी आया होगा, गुरुजी के सानिध्य में शिक्षा प्राप्त कर लेगा और सब कुछ गुरुजी संभाल ही लेंगे। फिर इनके पिताजी ने नैनीताल भेजने का सोचा। फिर जब इनके पिताजी ने नैनीताल भेजने का सोचा इनकी बीएससी की पढ़ाई के लिए, तो इनके रिश्तेदारों ने जोशी जी को अपने यहाँ रुकने के लिए कहा, पर जोशी जी का मन नहीं था। देखते हैं अब क्या होता है। परंतु रिश्तेदारों से इतनी नज़दीकी होने के बावजूद भी रिश्तेदारों ने कुछ ही दिन रखा विनोद जोशी जी को, और फिर इनके पिताजी ने इनके रहने का कहीं और बंदोबस्त कर दिया और कॉलेज से आने जाने का भी बंदोबस्त कर दिया। फिर एक दिन की बात है, यह अपने कॉलेज से आ रहे थे और इनके मन में ख्याल आया कि आज गुरुजी के दर्शन कर लिए जाएं। उनके संग उनके 2 दोस्त थे, योगेश और पंती। उन दोनों दोस्तों से जब इन्होंने पूछा कि चलोगे मेरे संग क्या नीम करौली बाबा के दर्शन करने, उन्होंने अच्छे शब्दों में जवाब नहीं दिया और कहा कि हम नहीं मानते किसी बाबा को। फिर उन्होंने कहा, नहीं जाना तो मत जा, फालतू मत बोल। फिर ये सीधा बस स्टॉप पर पहुँचे और जाकर इन्हें पता चला कि नीम करौली बाबा भूमियाधार में है। अभी ठीक बस में बैठ गए और सीधा भूमियाधार में बाबा के पास मिलने पहुंच गए। जब ही भूमियाधार पहुंचे तो नीम करौली बाबा से जैसे ही मिले तो जोशी जी को गुरुजी ने कहा कि बेटा जा नीचे ब्रह्मचारी जी से चाय बनवा ला। अभी नीचे चाय बनाने गए ब्रह्मचारी जी के पास। अभी ने कहाँ पता था कि बाबा कैसी चाय पीते हैं, तो ब्रह्मचारी जी बताते रहे, वैसे चाय बनाते रहे।
फिर बना के लाई तो नीम करौली बाबा बोलते हैं, ऑल राइट, वेरी गुड एंड थैंक यू। गुरुजी ने इंग्लिश में बात करनी शुरू कर दी और थोड़ी देर बाद जोशी जी को खड़ा देखते हुए कहते हैं, बेटा सिट डाउन। वह सब भाषा का प्रयोग कर लेते थे, सब भाषा जानते थे। गुरुजी बोलते हैं विनोद जोशी जी से कि अगली बार जब आना मुझसे मिलने, अकेले ही आना। और थोड़ी देर बाद कहते हैं, जब आधी चाय हो जाती है, कि तूने अपने दोस्तों से क्यों कहा, क्यों पूछा आने के लिए। जोशी जी समझ नहीं पाए गुरुजी क्या कह रहे हैं। फिर गुरुजी कहते हैं कि योगेश और पंथी से क्यों कहा, उनकी दोस्ती छोड़ दे। यह बात जोशी जी को समझ में आ गई कि गुरुजी ने क्या कहा। फिर यह बात विनोद जोशी जी के दिमाग में घर कर गई और इस चमत्कार से यह पता चलता है कि गुरुजी अंतर्यामी हैं, कि वह सारी बातें जान जाते हैं जो उनके दोस्तों के बीच हुई। और जिन दोस्तों से दूरी बनाने को कहा था गुरुजी ने, वह बच्चे बीएससी के पेपर में फेल हो गए। जोशी जी आगे बढ़ गए और अब तक जोशी जी की उनसे मुलाकात नहीं हुई है। यह बात जोशी जी ने बताई, बीएससी इनकी जो थी वो पास हो गई गुरुजी की कृपा से। अब एमएससी की पढ़ाई शुरू कर दी इन्होंने। फिर अगले दिन की बात है, विनोद जोशी जी के पिताजी का देहांत हो गया। अब ये बहुत ही बुरा समय था विनोद जोशी जी के परिवार के ऊपर। और उसी दिन से विनोद जोशी जी की सारी जिम्मेदारी गुरुजी ने ले ली। इनकी पढ़ाई लिखाई की, खर्चा, रहने का प्रबंध सब गुरुजी ने कर दिया और सारी जिम्मेदारी गुरुजी ने ले ली। अब गुरुजी हैं तो क्या चिंता की बात है। गुरुजी हनुमानगढ़ी में इनको रहने का प्रबंध कर दिया। और हनुमानगढ़ी में ना बिजली, ना पानी, ना सड़क, कुछ नहीं था। लेकिन गुरुजी कहते थे कि एक दिन यहाँ सब चोटियाँ जगमगा उठेंगी। और आज हर एक चोटी पर हनुमान जी हैं, दूसरी पर राम जी हैं, तीसरी पर शिव जी हैं, और आगे माइक्रोवेव स्टेशन है और बिजली, सड़क और पानी सब है। ये बाबा ने पहले ही कह दिया था कि ये सारी चोटियाँ जगमगा उठेंगी। लेकिन गुरुजी एक दिन एक पेड़ के नीचे जाके बैठ जाते थे और हाथों से दूरबीन बनाकर आसमान में देखते। कुछ भक्तों ने गुरुजी से पूछा कि आप यहाँ क्या करते हो, हाथ से दूरबीन बनाकर क्या आसमान में क्या देखते हो। गुरुजी ने बताया, यहाँ तारे देखने की मशीन लगेगी और कुछ सालों बाद वहाँ पर रिसर्च हुई और वह जगह तारा देखने के लिए उपयुक्त जगह है और ऑब्जर्वेटरी बनाने के लिए कहा। और जहाँ गुरुजी बैठा करते थे वहाँ एशिया की मानी गई 40 इंच की टेलीस्कोप यानी दूरबीन लगी। ये सब बाबा ने पहले ही देख लिया था। गुरुजी ने विनोद जोशी जी को एमएससी की पढ़ाई के लिए आने जाने का प्रबंध ऑब्जर्वेटरी की गाड़ियों में कर दिया और इन्हें कोई परेशानी नहीं होती थी जब वे ऑब्जर्वेटरी की गाड़ियों में जाते। विनोद जोशी जी के लिए रहने का जो कमरा था वह बहुत ज़्यादा दूर था, तीसरी पहाड़ी पर था जहाँ शिवजी का मंदिर था। गुरुजी ने फिर वहाँ इंचार्ज से कहा कि इसको कमरा जो दिया है बच्चे को कहाँ दिया है। उन्हें बताया जी शिवजी के मंदिर के पास। उन्होंने कहा नहीं, इसे और अपने पास लाओ, हनुमान जी के मंदिर के पास दो। और इन्हें एक जहाँ लाइब्रेरी थी वहाँ इन्हें कमरा मिला और वहाँ ये पढ़ाई करते रहते थे। इनकी पढ़ाई भी अच्छी खासी चल रही थी। एक दिन की बात है, सावन के सोमवार चल रहे थे, भोले बाबा की आरती हो रही थी, तभी विनोद जोशी जी को वहाँ शिवलिंग में सफ़ेद रंग की शिवलिंग में जोशी जी को काले रंग की शिवलिंग दिखाई देने लगी। अब इन्होंने अपनी आँख माली और फिर देखने लगे, तभी जोशी जी के मन में ख्याल आया कि कैचीधाम हुआता हूँ, बाबा के दर्शन कराता हूँ। परंतु जैसे ही वह गुरुजी के पास पहुँचे तो गुरुजी ने कहा पहले वहाँ भोले बाबा के दर्शन करके आओ। वह वहाँ पहुँचे तो तीन चार लोग भोले बाबा की पूजा कर रहे थे, जैसे सावन का सोमवार है तो वो करते हैं। तो वहाँ बैठ के जब वो पूजा करने लगे अपने शिवलिंग की, शिव जी की, तो तभी उन्हें याद आया कि अरे ये तो वही शिवलिंग है जो हनुमानगढ़ी में उन्हें दिख रही थी। फिर जोशी जी के एमएससी के पेपर 15 दिन बाद शुरू होने वाले थे। जोशी जी ने सोचा कि इन 15 दिनों में गुरुजी के यहाँ हो आता हूँ और दो तीन दिन बाबा के पास कैंची धाम में चला जाता हूँ और उनके पास रहता हूँ, जिससे बाद में मुझे उनकी याद ना आए। जोशी जी ने सोचा रखा था कि दो तीन दिन से ज़्यादा नहीं रुकूंगा, एमएससी के पेपरों की तैयारी भी तो जो करनी थी। फिर गुरुजी की लीला शुरू हुई और उन्होंने जोशी जी को कैंची धाम में कामों में आनंद में उलझा कर रखा कि पता ही नहीं चलता था कि पूरा दिन कैसे निकल जाता था। और एक दिन गुरुजी कहते हैं जोशी जी से कि क्यों परेशान होता है, तेरे यूनिवर्सिटी के डीन से बात कर दूंगा। फिर अब गुरुजी जब ये बात भी कह रहे थे, जब कैंची धाम में भीड़ हो जाती थी तब वे भूमि आधार पहुँच जाते थे। जब विनोद जोशी जी के सारे सीनियर पहुंच गए भूमि आधार, तो ये क्या करते हैं यहाँ पे, ये भी वहाँ से बस पकड़ी नैनीताल से और फिर भूमि आधार पहुँच गए। गुरुजी ने कहा भाई तेरे तो पेपर आने वाले हैं, तू ऐसा कर नैनीताल ही चला जा। अब जब गुरुजी ने नैनीताल जाने के लिए कह दिया तो ये भूमि आधार से जंगलों से नैनीताल पहुँच गए।
अब इन्हें वहाँ पर अपना एक क्लासमेट मिलता है जो इनके संग पढ़ता था, MSc की तैयारी करता था। अब वो इनसे पूछते हैं जोशी जी कि तेरी तो बहुत तैयारी हो गई होगी। वो कहता है कि भाई तुझे पता नहीं है कि पेपर जो है 15 दिन और पोस्टपोन्ड हो गया, आराम से तैयारी करना। यह सब गुरुजी का चमत्कार था जिन्होंने अपने पास जोशी जी को रखा और प्यार दिया, जोशी जी की पढ़ाई के बारे में भी सोचा और उसके बाद वह अब पढ़ाई में जुट गए। अब MSc की जो पढ़ाई इन्होंने कर ली अपने घर पे, हर पेपर के बाद वे गुरुजी के पास जाते और गुरुजी वहाँ से बैठे बैठे कहते आज तू केमिस्ट्री के पेपर में पास हो गया है। अब ये सोचते कि जोशी जी सोचते अभी तो मैं पेपर दे के आया हूँ, गुरुजी ने तो अभी रिजल्ट बता दिया। और वास्तव में जोशी जी हर पेपर में पास हो गए और आगे जाकर इनकी MSc पूरी हो गई। अब जो MSc पूरी हो गई तो अब तो समय था नौकरी करने का, जो इतनी सारी पढ़ाई करी थी और घर वालों का भी प्रेशर होता है नौकरी करने के लिए। अब ये अखबार में देखते थे, ऐड देखते थे कि कहीं नौकरी का इश्तिहार मिल जाए। फिर इन्हें एक कंपनी मिली जिनका इन्होंने टेस्ट दिया, पहला टेस्ट वहीं था और दूसरा लखनऊ में था। अब 15-16 दिन हो गए गुरुजी के पास ये नहीं पहुँचे। जिस दिन ये गुरुजी के पास पहुँचे तो गुरुजी कहते हैं इतने दिन कहाँ था, तो जोशी जी ने ये जवाब नहीं बताया कि मैं कहाँ था, इन्होंने बताया कि मैं लखनऊ में था। गुरुजी सब जानते थे, फिर बोलते हैं हाथ से टेस्ट ट्यूब मिलाने के इशारे में कि तू अब ऐसे ऐसे करेगा। वो सब जानते थे कि मतलब अब तू ये लैब में ऐसे ऐसे करेगा। जब गुरुजी ने पूछा नौकरी करेगा तो उन्होंने कहा हाँ बाबा मैं नौकरी करूँगा। गुरुजी ने फिर कहा कि सोच ले, समझ ले, सच में तू नौकरी करेगा, अच्छी तरीके से नौकरी करेगा, छोड़ के तो नहीं आएगा वापस। उन्होंने कहा नहीं बाबा मैं नौकरी करूँगा। फिर ये ठीक एक महीने इन्होंने नौकरी करी, एक महीने बाद ये वापस आ गए। अब जब ये वापस आ गए तो एक दो दिन रुके गुरुजी के पास। तीसरे दिन गुरुजी खुद पूछते हैं कि अब जा नहीं रहा नौकरी करने, गुरुजी सब जानते थे। फिर विनोद जोशी जी रोते रोते बताते हैं बाबा मेरे आपके बिना वहाँ मन नहीं लगता, रात भर जाग जाग कर मैं रोता हूँ, आपकी याद आती है इसलिए मैं नौकरी छोड़ आया हूँ। गुरुजी ने विनोद जोशी जी को बहुत मारा, बहुत मार लगाई। तभी जोशी जी कहते हैं बाबा कितना भी मार लो, जान से मार दो, लेकिन मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगा। अब गुरुजी और जोशी जी का इतना प्रेम भाव देखते हुए बाबा ने कहा ठीक है तू कहीं मत जा, मेरे पास ही रह। और फिर वो अपने पास हर जगह जोशी जी को रखते थे। एक दिन की बात है, कैचीधाम के प्रांगण में कोई और व्यक्ति नहीं था, केवल जोशी जी और गुरुजी और एक अमेरिकन फोटोग्राफर था। गुरुजी ने जोशी जी को बुलाया और अपने पास बैठाया कि नीचे बैठ जा और फ़ोटो खिंचवा। फोटोग्राफर ने फ़ोटो खींची। अब उस फोटो के खींचते ही वो कैमरा ऐसा होता है कि 5 मिनट में फ़ोटो आ जाती है। गुरुजी ने अपने कंबल में उस फ़ोटो को ले गए और फिर सिद्धि माँ भी खड़ी हुई थी और सिद्धि माँ से परिचय कराया फ़ोटो के माध्यम से जोशी जी का। और सिद्धि माँ ने के बारे में बताया गुरुजी ने कि हमारी माँ सिद्धि माँ हैं, गुरुजी ने हमेशा माँ को कात्यानी स्वरूप माना है और माँ देवी माँ का स्वरूप थी, ये गुरुजी ने विनोद जोशी जी को बताया। फिर बात आगे बढ़ती है, गुरुजी ने कभी जोशी जी को गीता पढ़ने नहीं दी, कहते कि बाद में पढ़ेगा तू। अब वो समय आ गया था जिसका हमें बिल्कुल इंतज़ार नहीं था, गुरुजी की समाधि का। गुरुजी ने समाधि से एक महीने पहले जोशी जी को दिल्ली में जो मंदिर है गुरुजी ने वहाँ उन्हें भेज दिया और वहाँ उनसे कह दिया कि गुरु जोशी जी के लिए कमरा बनवा दो। अब जब विनोद जोशी जी को गुरुजी की समाधि का संदेश मिला तो वृंदावन में वो आ गई। फिर कुछ दिन बाद जोशी जी ने समाधि स्थल में वृंदावन के अंदर गुरुजी के सामने गीता उठाई और 18 के 18 अध्याय पूरे किए। जो गुरुजी ने कहते थे कि बाद में पढ़ेगा वो दिन आ चुका था। गुरुजी के बाद जितने भी रुके हुए काम थे वह सब गुरुजी ने सिद्धि माँ के माध्यम से कराए, उनका साथ विनोद जोशी जी ने भी दिया। वह कुछ काम थे जैसे नीम करौली धाम में गुफा ढूंढना, मंदिर की रूपरेखा सुधारना और कैंची धाम के में गुरुजी की स्थापना करना, और बहुत काम सिद्धि माँ ने गुरुजी के जाने के बाद किए। उनका सहारा बने जोशी जी और ये सब काम सिद्धि माँ द्वारा किए गए। आज की वीडियो में बस इतना ही, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जय बाबा की।